नमस्ते खमागिनी, सलाम वालेकुम, केम छो, केरो हाला, कसिकाय। मैं हूँ करण फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, खबरें बॉलीवुड की। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में काफ़ी सारी गुत्थियाँ जो है वो सुलझ भी चुकी है और काफ़ी सारी गुत्थियाँ जो उलझ चुकी है। तो सबसे पहले जो उलझी है वो गुत्थी ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है या फिर उनका मर्डर हुआ, क्योंकि सीबीआई की जांच के द्वारा सीबीआई को ये पता चला है कि जो फांसी का कहा गया था कि फांसी दी है सुशांत सिंह ने, तो ग्रीन कलर की एक चुन्नी थी, पंखे से ग्रीन कलर की चुन्नी को लटकाया गया था। तो ग्रीन कलर की चुन्नी को जब यूँ लटकाया जाता है तो सीबीआई को और फॉरेंसिक लैब में एंड डॉक्टर्स को पता चलता है कि वो जो उसका निशान है वो कैसे होता है। लेकिन सीबीआई जांच में ये पता चला है कि जो वो फांसी का फंदा, जो ग्रीन कलर की जो दुपट्टा था, जो ग्रीन कलर का दुपट्टा या चुन्नी थी, जो भी कपड़ा था, वो जो था वो उसका निशान और फांसी का जो उसका गले में जो उसको दबाया गया था या उसको फांसी था, ये कहा जा रहा है कि फांसी, तो वो निशान जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो वो अंतर उन्हें सीबीआई ने कहा है कि पता करना है कि क्या वो सच में सुसाइड था या फिर मर्डर था। तो काफ़ी जगह कहा जा रहा है कि उसको घसीट कर सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, लेकिन काफ़ी जगह पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पट्टा है वो थोड़ा उनके यहाँ से स्लिप हो गया। तो अब वो जांच में सीबीआई वहाँ पर पता करेगी। इसी बीच उन्होंने काफ़ी बार रिया चक्रवर्ती को भी उन्होंने पुलिस ने बुलाया था, लेकिन अभी सीबीआई ने जो है नीरज, जो उनका कुक है, सुशांत सिंह राजपूत का जो कुक था, जिन्होंने उनके जूस भी दिया था, जो उनके लिए खाना वगैरह बनाते थे, जो उनके साथ में घर में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनको काफ़ी बार बुलाया गया। अभी फिर से उनके गेस्ट हाउस पर बुलाया गया है सीबीआई ने एंड कुछ इंक्वायरीज की है एंड पूछताछ काफ़ी बार जारी रहेगी एंड आगे भी। जैसे कि कहा जा रहा है कि समन भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि फाइनेंशियल जो है वो देखे जा रहे हैं कि कुछ हेराफेरी की गई है, शौविक को भी शायद समन भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे, देखते रहें बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज करंट फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर, गुड बाय।